यूपी विधानसभा में योगी सरकार 12,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। अब इस बजट पर सियासत शुरू हो गई है। शिवपाल यादव ने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जनता के साथ धोखा है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी ही धोखे वाली पार्टी है। और देखिए, आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है, बजट में कुछ है ही नहीं। जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए, तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। पूरक है, कल प्रस्तुत हो गया है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले इसका प्रयास किया जाए। समाजवादी पार्टी का ही धोखा है, बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष ही डीरेल है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट यूपी के चतुर्मुखी विकास को समर्पित है, लेकिन विपक्ष को सब खराब दिखता है। हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, अनुपूरक बजट आज पास होगा, किस तरीके से देखते हैं इसे, क्या उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है? प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार अनुपूरक बजट को लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं, आज सर्वाधिक एक्सप्रेस वेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। हम गंगा एक्सप्रेस वे को गति दे पाएंगे। इसके अलावा जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको सफलतापूर्वक प्रदेश की जनता के हित में हम तेजी प्रदान करेंगे। और आप देखेंगे कि सभी माननीय सदस्यगणों ने अनुपूरक बजट पर अपनी अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद सर्वसम्मत से पास किया जाए। सर, विपक्ष इसे धोखा बता रहा है बजट को, किस विपक्ष के पास कहने को कुछ है नहीं, वो डिरेल्ड है। और आप देखेंगे कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी की अराजकता गुंडई बढ़ी है, लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। तो ये लगभग एक परंपरा सी बन गई है, बजट देश का हो या प्रदेश का हो, सत्ता पक्ष उसे चतुर्मुखी विकास वाला बजट बताता है और विपक्ष कहता है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है। इधर विधान परिषद में पेंशन को लेकर जानकारी देते हुए सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कर्मचारियों के अकाउंट तक नहीं खोले गए। तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। इस सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए, एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए। बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस पे मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 8.5-8 लाख कर्मचारियों से संबंधित था। उन सभी कर्मचारियों से संबंधित ये मुद्दा था और फिर ये व्यवस्था हुई कि लास्ट पे जो ड्रॉ होगी उसका 50% देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ा दे, और उस शेयर को बढ़ाएगी तो अगर कर्मचारी भी अपना शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर समय पे जमा करती है और एक उस पैसे को संबंधित कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है वह किसी स्कीम के साथ जोड़ता है तो रिटायरमेंट के बाद वह लास्ट पे ड्रॉ होने की 60% से ऊपर उसको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है, 14% किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है,
इन सबके अकाउंट खोले, अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, इसकी लगभग 10,000 की राशि थी, यह राशि भी हम लोगों ने एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि बीजेपी ने बजट का हलवा तो बनाया लेकिन घी डालना भूल गए, चीनी मिलाना भूल गए, पीडीए को बजट में कुछ नहीं मिला, मेवा खुद के लिए बचा ले गए। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है बजट को लेकर, सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है, घी तो हलवा तो बनाया इन्होंने लेकिन इस हलवा में न घी डाला न चीनी मिलाया, बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं रखा, मेवा खुद के लिए बचा ले गए, यानी कि मेवा भी नहीं डाला, इस तरह का बजट तैयार किया गया है, ये अखिलेश यादव का कहना है। और अब खबर उत्तराखंड से। अपने दिल्ली दौरे के कारण कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों सियासी चर्चाओं में हैं। बुधवार को मंत्री धन सिंह रावत दिल्ली से सीधे सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित विभागीय समीक्षा मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री धन सिंह रावत ने एक साथ लंच किया। इसे सियासी चर्चाओं को विराम देने के तौर पर भी देखा जा रहा है।